ये होते हैं असली क्रूज कंट्रोल के मजे। एंड दिस इज क्लासिक 350 BS6 या फिर कोई भी बाइक मान लो, यूनिवर्सल बाइक के लिए ये क्रूज कंट्रोल आता है। बढ़िया चीज है यार, बहुत मजा आ गया। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलो Alright, so welcome back to the channel, everyone. My name is Dhruv. New day, new vlog and vlogging after 3 days. 3 दिनों बाद ये वीडियो आ रही है and the reason is very clear कि अपने चल रहे हैं exams and how was your Father's Day? अपना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। बाकी अगर आज की बात करें, today is 22nd of June and अपना आज 3 major काम है। The first thing कि गाड़ी के अंदर करनी है मुझे कुछ adjustment, उसके air filter में कुछ तो थोड़ी सी problem है, वो चीज़ bike का एक part है, वो replace करना है, जिसके लिए मैं आपको पिछले vlog के अंदर अपना पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर दिखा रहा था। मेरा एक सिंगापुर से पार्सल आना था 2019 में। यस यू आर राइट, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले वो पार्सल आना था। डैट वाज स्टक इन कस्टम्स, देयर कस्टम एंड दैट कंटेनर इज क्लियर्ड इन 2021 मार्च एंड मार्च से लेकर मुझे न्यू ट्रैकिंग दी गई एंड दैट वाज अगेन री इनिशिएटेड। मोस्ट प्रोबेबली आज आने वाला, मुझे मैसेज आया था फ्रॉम फेडेक्स कि वो आज डिलीवर हो जाएगा। अगर वो आज आ गया तो आई अनबॉक्स इट एंड यूज इट 2 ईयर्स। वेरी एक्साइटेड फॉर द सेम एंड या डू शॉप मोटो स्टोर इंडिया इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रॉयल इनफील्ड एक्सेसरीज, दैट व्हाट ऑल आई यूज। एमसीक्यू फॉर्मेट में अपने एग्जाम्स हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एस्केप है। सो लेट्स गो डाउन एंड गिव द एग्जाम एंड इतना ही है। अरे यार, इसके अंदर कहीं ना कहीं बोर मार जाता है यार। आपको पता ही है कि एक कॉलेज लाइफ क्या होती है, कॉलेज में जाकर किस तरीके से एग्जाम्स दिए जाते हैं। क्योंकि मैंने जो अपनी बैचलर्स है डेट वॉज BCA 3 साल की अच्छे से एंजॉय करी एंड उसके बाद ही अपने लॉकडाउन वगैरह का सीन चालू हुआ था। बाहर पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक लगा हुआ है, पर मैं अपना ये जितना भी सामान है ये सारा लेकर नीचे जा रहा हूँ। यार अलग ही फील है, मतलब लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस तरीके के एग्जाम्स देंगे। सो आई एम एट माई मेन हाउस एंड थोड़ा सा शोर कम करें। फर्स्ट थिंग कि मेरा 5 मिनट बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, एग्जाम देंगे एंड वी विल बी सॉर्टेड फॉर द डे। एग्जाम होगा 1.5 घंटे के से ज़्यादा का नहीं है। एंड सेकेंड थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई स्पेशल पार्सल, इसकी इतनी मार्किंग्स वगैरह वो सब हट चुके हैं, 2 साल बाद आया है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू जस्ट ओपन इट। एक छोटी सी चीज़ है, दैट टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन, नॉट अवेलेबल एनी वेयर। ये मंगाई थी मैंने अपनी स्कूटी के लिए या फिर जिस चीज़ पर मैं राइड करता था उस समय पर अब ये लगेगी अपनी बाइक के अंदर। ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल गई होगी। इसको जाएंगे इंस्टॉल करेंगे एंड देखेंगे कि इंस्टॉल होता है या नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ विल वर्क ऑन इट, ये कोई बात नहीं। अब क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है तो मत खोले तो ओ भाई साहब, 2 साल पहले की आइटम अब आई है मेरे पास। ओ माई गॉड, दिस लुक्स प्रीमियम, नाइस। एंड ये अब अमेजोन पर अवेलेबल है। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, सॉलिड है यार ये तो। ऐसे ऐसे होता है एंड इसको अपनी बाइक के थ्रॉटल पे लगाएंगे एंड देखेंगे कि ये क्या असर करता है। तो ये ऐसी चीज़ है, ये जो है ये थ्रॉटल पे लग जाएगी देन ये बताऊंगा मैं इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है एंड काम करेगा नहीं करेगा ये भी देखना पड़ेगा साथ ही साथ। तो चलो एग्जाम देते हैं फिर चलते हैं बाहर थोड़ा सा। 1:30 एंड एग्जाम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? बैग्स वगैरह आर ऑल आउट एंड इसको भी आउट ही कर दें। आई वॉज जस्ट सो ईगर टू गो आउट, बाहर जाने का इतना ज्यादा मन कर रहा था कि भाई अभी चलते हैं, अभी बाइक उठाते हैं, अभी हेलमेट उठाते हैं, मोटो ब्लॉक का थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ इसके अंदर, माइक वगैरह सेटअप करना मेन है, क्रूज कंट्रोल उसको करते हैं चेक बाइक पर चल के कि ये कितना काम का है एंड ये कितनी हेल्प कर देगा हमारी हाईवेज पर। क्योंकि ये चीज़ जो है मैंने किसी भी बुलेट में फिलहाल तो होती ही नहीं देखी है। दिस कुड बी द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब अगेन, अ वेरी गुड एक्सेसरी, ट्राई करते हैं एंड ये सक्सेस हो गया तो आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, इसलिए वॉच टिल द एंड। एंड टैन प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी सी अपना जो क्रूज कंट्रोल है वो ये रहा एंड ये कैसे लगेगा कहाँ लगेगा ये मैं आपको जाऊँगा बाहर बता, फिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आपको पता है छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो आप मेरे गियर सॉक्स देख रहे हो, इसकी इंस्टॉलेशन मेरी इतनी ज़्यादा काम की थी, मतलब दिस हैज़ प्लेड अ ड्रास्टिक चेंज इन माई गियर शिफ्टिंग। अब देखो मैंने इतने बढ़िया शूज़ पहने ब्लैक कलर के,
अब इसका जो मेटल था ना वो इसको वो कर देता था। अब मैं इसको आराम से नीचे से उठा देता हूँ बड़ी प्यार से। ओए होए होए, द शूज इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड, चुभता भी नहीं है। एंड क्या वेदर है, मतलब सच में दिल्ली इज ब्लूमिंग दिस डेज। अब आ जाते हैं अपने मेन कहानी के ऊपर, दैट इज द इंस्टॉलेशन फॉर दिस थिंग। ये है अपना क्रूज कंट्रोल। अपने मोस्टली एंड मोस्टली फॉरेन की बाइक्स के अंदर ज्यादा देखा होगा, क्योंकि ये वहीं देखा जाता है सबसे ज्यादा। इज द मल्टी थिंग जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं आज। बाकी इसका जो रोल है वो ये है कि ये लग जाता है हमारे थ्रॉटल पे, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से। लेस ओपन दिस, लेस ओपन दिस। एंड जो अपनी ये रबर है, इस रबर को यहाँ पर चढ़ाना मेन काम है। अब ये पता नहीं चढ़ेगी या टूटेगी, मुझे ये नहीं पता। चढ़ तो जानी चाहिए, स्ट्रेचेबल लग रही है, टूट ना जाए नहीं तो पोपट हो जाएगा। इसे पहुँचा देते हैं इसको यहाँ पे। यस इट इज़ इंस्टॉल्ड। एंड ये इसको डाल दिया हमने बीच में, मैं आपको उठ के बता देता हूँ एक बार, उसको गिरे रहने दो। हाँ, इसको हमने यहाँ पे लगा दिया यहाँ पर। अब हम इसको कर देंगे टाइट, ठीक है। अब इसने हमारे थ्रॉटल पकड़ लिया, ये देख रहे हो। अभी ये है लूज, अभी मतलब मैं रेस दूंगा तो कुछ नहीं होएगा। मैं चलाते चलाते इसको ऐसे करूंगा एंड इसको ऐसे डाउन कर दूंगा, तो उसने देखो मेरा थ्रॉटल यहीं पकड़ लिया। देखो इसको मैं आगे ट्विस्ट करता हूँ तो फिर ये छूटता है, समझ रहे हो गणित इसका, ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको यार ये चोरी होने का डर इसका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसको ऐसे करेंगे एंड इसको यहाँ से ऐसे पुश कर देंगे लाइक अ ट्रिगर, एंड आगे कर देंगे तो छूट जाएगा। अब इसको करते हैं प्रैक्टिकली ट्राई कि ये कितना काम का है एंड कितना नहीं। भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसी फॉरेन पार्टिकल टाइप चीज़ें अपनी बाइक पर लगाई है, मतलब अपनी बाइक के ऊपर आ चुके हैं इंटरनेशनल पार्ट्स गाइस। थोड़ा सा ऊपर उठा दो ताकि ये बार बार लगे ना उसके अंदर। एंड ये नॉर्मली ड्राइव करते वक्त भी लग नहीं रहा है हमें कहीं। ओके पहले हाई लो स्पीड पर ट्राई करते हैं पहले। ओए 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 ओए, नहीं यार ऊपर वाली स्पीड पर ही ट्राई होएगा ये। वेलकम द क्रूज कंट्रोल। अभी ये बाइक जो है वो चलती जाएगी, पर लो स्पीड पे बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रोड्स जो है वो एकदम खाली है मेरे आसपास, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। वेलकम जी क्रूज कंट्रोल। अब हम जो है अपने बॉडी बैलेंस अपनी बाइक को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, पर इससे बढ़िया चीज़ ये नहीं हो सकती कि ये चलती जाएगी। अब हमें रोकना है इसको, थोड़ा सा थ्रॉटल जो है वो लो कर लो। भाई सब देख रहे थे बाइक चलती जा रही है। क्या बात है जी, क्या बात है। अब आप देख रहे हो दिस इज कम्प्लीटली क्रूज कंट्रोल पर है बाइक, एंड बाइक आराम से बैलेंस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है बाइक को बैलेंस करने में। एंड अपना जो एक हाथ है वो कम्प्लीटली फ्री रह सकता है। एंड मान लो अगर आपको ब्रेक मारनी है तो इसको आराम से आगे कर दो एंड ये रेस छोड़ देगी। बाकी रेस हल्की जरूर उठाओ एंड इसको ऐसे करके क्लिप कर दो, समझ रहे हो, ऐसे करके, तो ये आराम से चलती रहेगी विद नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत बढ़िया चीज़ है यार ये तो। देखो अपनी कितने पे सेट है, 70 पे सेट है स्पीड। अब से 70 पे करती रहेगी क्रूज, पर आपको रोड पर जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि रोड पर जो देना पड़ेगा ध्यान, गाइस रोड पर ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ जो है जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है उतनी ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली भी है। सामने कोई आ गया, रेस आपकी रुकेगी नहीं, गियर आपका डाउन होगा नहीं, तो इसको यूज़ करने से पहले आपको चाहिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यूज़ करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर या ये असिस्ट है, ये हमारे क्रूज़ को असिस्ट कर रहा है, हमारी बॉडी को असिस्ट कर रहा है, तो इसके चलते आई थिंक दिस इज़ प्लेइंग अ गुड पार्ट। और देखो बाइक आगे आ गई, मैंने इसको आगे किया एंड मैंने ये देखो अब ये हो गया फ्री एकदम, समझ रहे हो। इसको आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ये जो नट है इसका इससे होती है इसकी जो टाइटनेस है, जो ग्रिप है वो एडजस्ट। इसको ज़्यादा टाइट मत करना, दिस विल लूज द कंट्रोल। Mama, don't stress your mind. We're coming home tonight. Hey, Mama, gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So, Mama, don't stress your mind. Mama, don't stress your mind. Mama, hey.
एंड सो फाइनली गाइज आई एम बैक होम। इस समय रात के बज रहे हैं 1 एंड मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ यहाँ पर जस्ट बिकॉज की जो बात का पार्ट है मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं चला गया था थोड़ी सी टेंशन के अंदर एंड थोड़ी सी डीप थिंकिंग के अंदर, क्योंकि अपनी बाइक के अंदर पता नहीं क्या एक नया मसला उठकर आ चुका है। दैट मैं धीरे से बोल रहा हूँ बिकॉज आगे पीछे लोग रहते हैं एंड दे कैन हियर माई वॉइस एंड आई एम टू लाउड। इसलिए कि अपनी जो बाइक है वो हल्की सी ना राइट साइड को टिल्ट हो रही है, अब इसके अंदर व्हील अलाइनमेंट की दिक्कत है या फिर हैंडल की दिक्कत है या फिर जो मैंने अभी तक YouTube पर वीडियोस देखी हैं दैट इज़ बाइक की जो चैसी है वो टेढ़ी है एंड उसके चक्कर में ये प्रॉब्लम आती है। तो आई एम वेरी मच वरीड क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पहले से नहीं थी। यस आई एम प्रिटी श्योर ये पहले से प्रॉब्लम नहीं थी, ये एकदम से आई है, ना मेरी बाइक गिरी है ना कुछ हुआ है। देखते हैं अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सर्विस सेंटर जाएंगे बाद में। वैसे भी इतनी जॉली वीडियो के बाद ये चीज़ मुझे आपको बतानी नहीं थी, पर या जो लाइफ में डेली हो रहा है वो बताना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको अपडेट देना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। अगर आप नए हो तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना विद द बेल आइकन ऑन। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कंटेंट आता है एकदम। एंड आजकल मैंने फोटोज़ भी यूट्यूब पर पोस्ट करनी शुरू कर दी है, तो कम्युनिटी सेक्शन चेक करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू। बाकी टेंशन नहीं लेते, चासी की कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें पहले नहीं थी। चैसे की होती तो पहले भी आती। मुझे पता है कि जो अपनी बाइक से प्यार करता है उन चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा डाउटफुल हो जाता भाई। ठीक हो जाए सब, बस अलाइनमेंट की दिक्कत हो, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। चलो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं यानी कल। बाय। Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, gonna be alright, dry those eyes. We'll be back in the morning when the